विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए, बुरे विचार बाहर भले विचार भीतर, मन को पद्मासन में बिठाइए, तन को ब्रजासन में रखिए, दिमाग को सूर्यासन कराइए और होठों को मुस्कुरासन, क्योंकि आज विश्व योग दिवस है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शाह परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, योग से मनुष्य स्वस्थ रहता है, साथ ही फिट रहकर वो लंबे जीवन को प्राप्त करता है। योग का मानव जीवन में महत्व देखते हुए साल 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर जगह जगह योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने का मकसद है। शरीर को निरोगी रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। 11 दिसंबर 2014 को इस बात की घोषणा की गई कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ऐलान किया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हर साल 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है। यह है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। माना जाता है कि सूर्य दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही योग करने से लोगों की आयु भी लंबी होती है। इसी को देखते हुए योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 के 21 जून को मनाया गया था। दोस्तों, शरीर और मन की शांति के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही योग से मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर दिन योग करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर रहती है। बढ़ते तनाव को कम करने और लाइफस्टाइल से पैदा हुई समस्याओं को दूर करने में भी ये काफी फायदेमंद है। योग करने से शरीर मजबूत बनता है और योग से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, योग करने वाले लोग फिट होने के साथ ही इम्यूनिटी के मामले में भी दूसरे लोगों से बेहतर होते हैं। इसी को देखते हुए बाकी लोगों ने भी खुद को हेल्थ का ख्याल रखते हुए योग करना शुरू कर दिया। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि रोज योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़, क्योंकि जनता की आवाज़ खबर नहीं, मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।